दोस्तों एक काम करते हैं, आज फोर फीचर को निबेड़ने की बात करते हैं। फोर फीचर में फिर उसके बाद एक दिन प्रैक्टिस का लगाएंगे, ठीक है। इशू ऑफ डिबेंचर मैं नहीं कराऊंगा, मैंने वीडियो 3 रिकॉर्ड कर दिए हैं, कल को शायद और 2 रिकॉर्ड कर दूंगा। आप में से कोई आ जाए इशू ऑफ डिबेंचर का बाकी करने के लिए, मेरे से बात कर लेंगे कलम। तो भैया इसका तो यही सिस्टम है, बताते हैं आपको आगे। हाँ जी भाइयों, ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, ठीक है जी, 50,000 शेयर्स 10 रुपये का, 2 रुपये प्रीमियम, 12 में इशू किया, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 5, फर्स्ट कॉल 4। दोस्तों प्रीमियम के केस में क्या होता है, प्रीमियम के केस में क्या होता है आपको बताता हूँ मैं। प्रीमियम के केस में आपको ये देखना होता है कि आदमी प्रीमियम वाली कॉल पे कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। अब डिफॉल्ट किस पर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ए होल्डिंग 200 शेयर्स, डिड नॉट पेड, फर्स्ट कॉल, शेयर्स फॉरफिटेड। स्पर्श प्रीमियम दे दिया नहीं दिया उसने, प्रीमियम वाली कॉल दे दी नहीं दी, उसका डिफॉल्ट किस पर है, प्रीमियम किस पर है, प्रीमियम तो अलॉटमेंट पर है, प्रीमियम पेड हेडिंग है इसका मतलब, प्रीमियम पेड। पहली एंट्री क्या करोगे बताओगे आप, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 50,000 × 3, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 50,000 × 3, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 5, 3, 2, 50,000 × 5, 50,000 × 3, 50,000 × 2। सुनो मेरे भाई, कोई दिक्कत है यहां तक? पावा तनिश तो बड़े दिनों बाद आया बेटा, वीडियोस देख लिए थोड़े से, आता ही है, गुड। मेरा स्टाइल डिफरेंट है, वीडियो देख लियो। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, मंगवाते समय थोड़ी पता था पैसा आएगा नहीं आएगा, 2 लाख। स्पर्श कितना पैसा नहीं आया फर्स्ट कॉल पर, देखियो 200 शेयर्स ने 4 रुपए नहीं दिए, तो कितना नहीं दिया, 1,99,200, कॉल दिन एरियर 800। अब करनी है फोर फीचर की एंट्री। ये बंदा प्रीमियम वाली कॉल दे चुका है नहीं दे चुका? चलो सर, अब कैसे करते हैं उसका लॉजिक है। शेयर कैपिटल डेबिट, पहले मुझे बताओ शेयर कैपिटल का मतलब होता था मंगवाया, क्या होता था स्पर्श? मंगवाया, आया नहीं आया, स्पर्श मंगवाया कितना पर शेयर मैंने टोटल? हाँ जी, कितना मंगवाया? 3, 5, 4। मैं यहां 12 लिखूं 10 लिखूं? सर एक बात ध्यान से सुनो, मैं शेयर कैपिटल में कितना लिख रहा हूं, 3, इधर कितना लिख रहा हूं, 3, इधर कितना लिख रहा हूं, 4। मैं तो शेयर कैपिटल में 10 ही लिख रहा हूं ना मेरे भाई, मैं तो शेयर कैपिटल में 10 ही लिख रहा हूं, बोलो हाँ या नहीं। शेयर कैपिटल में कितना लिख रहा हूं मैं, 10, ठीक है जी। तो ये हमेशा विदाउट प्रीमियम आता है, जब मंगवाया बोलते हैं तो विदाउट प्रीमियम होता है। मंगवाया कितना बिना प्रीमियम के? 10। कोई दिक्कत है बताओ? टू शेयर फॉरफिटेड, देने को उस आदमी ने अलॉटमेंट और एप्लीकेशन 5 और 3 कितनी दे दी, कितनी दे दी कृषभ? उसने 5 और 3 एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट कितना दे दिया, 8 दे दिया ना, पर विदाउट प्रीमियम कितना दिया, 6। कैसे? 3 और 3, 6। मैंने यहां क्यों नहीं लिया प्रीमियम, मेरे पास कोई कारण तो होगा यार, जबरदस्ती थोड़ी, दिनेश सर कह रहे तो आप मान जाओगे। यहां अगर आपने प्रीमियम ले लिया तो वो कैपिटल रिजर्व में घुस जाएगा, जबकि प्रीमियम का पैसा केवल 5 पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, बोनस शेयर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, लोन एक्सपेंस रिलेटेड टू अदर पर्पस, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, बायबैक ऑफ शेयर।
तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। तो मतलब ना तो मंगवाया में प्रीमियम आता है ना आया में प्रीमियम आता है, सिर्फ इसमें प्रीमियम आता है कॉल दिन एरियर में। कितना नहीं दिया उसने? 4। मैंने निचोड़ निकाला, फिर निचोड़ निकालेंगे ना यार, फिर फटाफट करना होता है। अगर प्रीमियम वाली क्वेश्चन है और वो आदमी प्रीमियम वाली कॉल पे कर देता है तो फोर फीचर की एंट्री में प्रीमियम का नाम नहीं आएगा। ध्यान रखना दो वर्ड, मंगवाया में और आया में प्रीमियम नहीं आता। क्या बोला मैंने? मंगवाया में और आया में प्रीमियम नहीं आता। ठीक है जी, नोट करो सर इसको प्लीज। हाँ जी बच्चों, ठीक है जी, सेम क्वेश्चन है सर, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन में पहले तो ये मिटा दूं मैं, ठीक है जी, ये भी मिटा देता हूँ मैं, ये भी मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा साफ सुथरा कर देते हैं ताकि आपको समझ आ सके क्वेश्चन। प्रीमियम पेड था, प्रीमियम नॉट पेड देना बेसिकली। एप्लीकेशन कितना है? 3। अलॉटमेंट कितना है? 5। फर्स्ट कॉल कितना है? 4। पिछली बार ही प्रीमियम पे कर दिया था, इस बार प्रीमियम पे नहीं किया। रवि होल्डिंग 400 शेयर्स डिड नॉट पेड अलॉटमेंट प्लस फर्स्ट कॉल शेयर फॉरफिटेड। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? इसका मतलब है इस बार उसने प्रीमियम वाली कॉल पे नहीं करी। इसका हेडिंग है प्रीमियम नॉट पेड। क्या हेडिंग है सर? पहली एंट्री सेम, दूसरी सेम, तीसरी सेम, चौथी में दिक्कत है। चौथी एंट्री नहीं दी ना उसने अलॉटमेंट, अब है तो 400 शेयर्स ने 4 रुपए यानी कितना नहीं दिया? 1600। 2.5 लाख में से 1600 घटा देना, कोई दिक्कत? फर्स्ट कॉल कितनी है? फर्स्ट कॉल कितने की है? 4 रुपए की, 50,000 × 4 2 लाख, 400 × अबे यार ये सॉरी यार 2000 है यार, 400 × 5 2,48,000 आ गया। यहाँ 400 × 4 1600 नहीं आया, जो भी आना आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में कृषव और इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है? पिछले क्वेश्चन में प्रीमियम वाली कॉल पे, इस क्वेश्चन में प्रीमियम वाली कॉल पे नहीं करी। फोर फीचर की एंट्री में क्या इफेक्ट आता है गौर से देखना। शेयर कैपिटल डेबिट, मंगवाया कितना विदाउट प्रीमियम? 10। कितना मंगवाया? कितना? 400 × 10। एक बात कृष्ण मुझे बता, तू मान ले इस कंपनी का डायरेक्टर है, तेरे को पता है सिक्योरिटी प्रीमियम इस्तेमाल किया जा सकता है 5 पर्पस के लिए, कितना क्रेडिट कर रखा है तूने? क्या तेरे पास 1 लाख आया हुआ है या कम आया है? इस पे डिफॉल्ट है ना कुछ या नहीं है? तो पूरा 1 लाख कहाँ से आ गया भाई? कितने शेयर ने पैसा नहीं दिया? कितना प्रीमियम है? कितना नहीं आया? 800। मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपए को क्रेडिट कर रखा है, क्या 1 लाख रुपए पूरा आ गया? नहीं आया। कितना है? 99,200। मैं अगर इसको 1 लाख से क्रेडिट करता हूँ तो क्या ये सही बात है गलत बात है? इसको ठीक करो फिर भाई, डेबिट कर दे। क्रेडिट को ख़त्म करने के लिए क्या करूँगा सर? प्रीमियम डेबिट तब होता है जब जिस आदमी के शेयर फॉरफिट किए वो प्रीमियम वाली कॉल पे ना करे। उसने एप्लीकेशन दी है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं दी, ठीक है जी, फॉरफिटेड में कौन सा पैसा आएगा बता दे बेटा तू। ध्यान रखना फॉरफिट में कभी प्रीमियम नहीं आता। फॉरफिट में कौन सा पैसा आएगा? 3 रुपए। कितना आएगा? कॉल दिन एरियर में कितना पैसा आएगा? हाँ जी बताओ। 5 और 4 विदाउट वि सब आ जाता है इसमें। 9 रुपये, 9×6 3600। निचोड़ बता क्या निकला? अगर प्रीमियम वाली कॉल आ गई है तो फोर फीचर में प्रीमियम का नाम नहीं आता, नहीं आई तो डेबिट हो जाता है बस। हाँ फोर फीचर की एंट्री, बाकी कुछ नहीं। इसमें और इसमें, इसमें और इसमें कभी प्रीमियम नहीं आता। मंगवाया और आया में कभी प्रीमियम नहीं आता। नोट करो जल्दी जल्दी इसको, मैं फिर इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। ख़त्म हो गया सर ये लो, टेंशन मत ले यार। इधर देख,
अभी तो स्टार्ट हुआ है, ये अभी तो कॉन्सेप्ट कराया, प्रश्न तो कराया नहीं। इधर देखो, एक कंपनी फोरफिटेड 500 शेयर ऑफ 10 ईच इशूड एट 20% प्रीमियम फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल चार्ज। सिर्फ फोर फीचर की एंट्री करनी, रीशू की एंट्री सेम होती है। तू बता मेरे को, इसने प्रीमियम वाली कॉल दे दी या नहीं दी, सोच के बताइयो। नहीं दी। प्रीमियम किस कॉल पर होता है, इसने किस कॉल पे डिफॉल्ट किया है? तो अलॉटमेंट दे दी नहीं दे दी? यार उसने जो नहीं दिया बता दिया, तो बाकी दे दिया होगा ना, अंडरस्टूड है? तो अलॉटमेंट दे दी नहीं दी? दे दी ना। तो प्रीमियम वाली कॉल दे दी नहीं दे दी? फोर फीचर की एंट्री में प्रीमियम का नाम नहीं आया। इधर देख, सिंपल एंट्री, शेयर कैपिटल डेबिट, टू शेयर फोरफिटेड, टू कॉल दिन एरिया, ठीक है जी। 500 × 10, 500 × 4 इधर कर दे, इधर कितना आ जाएगा? 6। बिना प्रीमियम की एंट्री होगी, बता दे। तेरे को दिक्कत है तो तू बता। अगर प्रीमियम वाली कॉल आ गई हो तो फोर फीचर की एंट्री में प्रीमियम का नाम नहीं आता। फोर फीचर की एंट्री में प्रीमियम का नाम नहीं आता, ठीक है जी। दोबारा लेते हैं क्वेश्चन दूसरा। एक कंपनी फोरफिटेड 700 शेयर ऑफ 10 ईच इशूड एट 20% प्रीमियम फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। एंड फाइनल कॉल फोर। इस बार प्रीमियम वाली कॉल पे डिफॉल्ट है या नहीं है? कुछ नहीं करना, शेयर कैपिटल डेबिट मंगवाया, वो बिना प्रीमियम के आता है 10, ठीक है भाई। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, क्यों डेबिट होगा? क्योंकि प्रीमियम वाली कॉल इस बार नहीं आई। 2 कितना हो गया? 700 × 10 7000, 700 × 2 1400। बोल भाई, कोई दिक्कत है? 10 मंगाया, 2 रुपये प्रीमियम नहीं आया तो डेबिट होगा। 2 शेयर फोरफिट मुझे नहीं पता, कॉल दिन एरियर में डिफॉल्ट है, इसमें प्रीमियम आ जाता है, इसमें प्रीमियम नहीं आता और इसमें प्रीमियम नहीं आता, बस इतना ध्यान रखना है। 5 और 4 कितना नहीं आया? 9। ये 12 है, ये 9 है, तो कितना बचा? खत्म भाई। 7 × 9 = 6300। बोलो भाइयों, मित्रों, अब हम बुक के क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। प्रीमियम वाले किससे कहानियां करते हैं बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे पहले। 5 ये लो, शुरू से करूं सारे? 1 से शुरू करते हैं, चलो 1 से 1 से 1 to 5, चलो 6 से करते हैं फिर। लो जी, छठा क्वेश्चन देखो। टैली तो नहीं कराने ना, मैंने वीडियोस बना रखे हैं इसके, फोर फीचर के, सुन मेरी बात, फोर फीचर के मैंने वीडियोस बनाए हैं क्वेश्चंस के, सुनो। वीडियो देख सकते हो, इतना तो कर सकते हो, फोर फीचर का वीडियो तो देख सकता, नहीं देख सकता, बढ़िया क्वालिटी की इधर बनाए हैं ये सारे क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन की वीडियो बनाए हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? अब सिक्स्थ है ना, पढ़ो सिक्स्थ क्वेश्चन। हेलो, सिक्स्थ क्वेश्चन देखो जरा, पढ़ो भाई। हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, फोर फीचर का छठा क्वेश्चन। ठीक है, आगे बोलो। 10 paid, 5 not paid। रुक जाओ भैया, रुक जाने एक मिनट, रुक जाओ, ठीक है।
इसका क्या मतलब है? मंगवाया कितना बता दे, देख के बता दे। थैंक यू वेरी मच, तुझे कॉल्ड अप समझ आ गया। मंगवाया कितना? 200 × 15। आया कितना? आया वो भी गिवन है सीधा, पेड गिवन है 10। कितना नहीं आया यार बताओ, इसमें कोई दिक्कत है? मंगवाया आया नहीं आया, डूब के मर जाओ समझ नहीं आया तो। मंगवाया आया नहीं आया। उसके बाद रीशू कितने में किए? एज रुपीज 15 पर शेयर, मतलब लाइबिलिटी कितनी माननी है? 15 फॉर हाँ 10 रहे हैं, लाइबिलिटी 15 माननी है, सीधा सीधा बता दिया। फुली पेड अप बोलता तो 20 मानता, अब जो बोलिए वो मानूंगा। घाटा कितना हो गया? 5, 2000, 1000, 3000, इन दोनों का डिफरेंस कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। कैसा लगा सर ये? क्वेश्चन 6 के बाद क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हैं हम? 7 पढ़ो। हंड्रेड शेयर ऑफ 10 इंच, मंगवाया 6, बस रुक जा, 2 रुपए नहीं दिए। सर मंगवाया कितना? कितना नहीं आया, तो कितना आया? इतनी अकल है, बहुत बड़ी बात है, बस आप में इतनी अकल लगानी है आपको। शेयर कैपिटल डेबिट, 2 शेयर फोरफिटेड, 2 कॉल्स इन एरियर, 100 × 6, 100 × 4, 100 × 2। सर इसे कहते हैं पार्टली पेड अप शेयर्स। क्या कहते हैं? सुनो भाई, इसे क्या कहते हैं? पार्टली पेड अप शेयर। इसमें जब रीशू करना है ना, या तो क्वेश्चन साइलेंट हो, सुन मेरी बात, या तो क्वेश्चन, तो 6 रुपए लाइबिलिटी मानूंगा शेयर कैपिटल में। कितनी मानूंगा? फुली पेड अप बोले तो 10 मानूंगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है बता दो, कितने में रीशू किए, फुली पेड अप है, क्या सीन है? पढ़ो जल्दी। फुली पेड अप मतलब कितनी लाइबिलिटी मानूंगा? 10। कितनी मानूंगा? 7 पेड अप, तो घाटा कितना हो गया? ₹700, ₹300, ₹400 में से 300 गए 100। बोलो भाइयों, नोट कर लो सर इसको। अब इसके